एक्सरसाइज 3.3 में हम जिन समीकरणों को जिन विधियों से हल करेंगे उन विधियों का नाम क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। देख लो, समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां इस्तेमाल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि भी होता है, विलोपन विधि होता है, ग्राफीय विधि भी होता है, वज्रगुणन विधि भी होता है। और आप आगे की क्लास में जाओगे तो इसको हल करने के लिए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे सारणिक विधि। यानी हम सारणिक विधि का भी इस्तेमाल करके हम समीकरण को हल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में सबसे पहले किस विधि को पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। यानी अब प्रश्न यह है कि प्रतिस्थापन विधि है क्या? इसमें हम किस तरह के इक्वेशन को हल करेंगे? तो ये सुन लो, प्रतिस्थापन विधि एक ऐसी विधि है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास समीकरण दिया रहता है उस समीकरण में जो चर प्रयोग होता है उस चर के मान को हम किसी दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। क्योंकि रैखिक समीकरण में दो चर आएंगे तो हमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके अगर हम समीकरण को हल करेंगे तो उस विधि को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मैं परिभाषा भी लिखा हूं। क्या परिभाषा लिखा हूं? हम लिखे हैं वह विधि जिसमें एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल की जाती है उस विधि को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक चर को विलुप्त करके नहीं हो रही है, छिपा के नहीं हो रहा है, एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करेंगे। x होगा तो y के पदों में व्यक्त करेंगे, y होगा तो x के पदों में व्यक्त करेंगे, a होगा तो b के पदों में, b होगा तो a के पदों में। यानी एक चर को किसी दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके अगर हम समीकरण को हल करेंगे तो उस विधि का नाम क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का परिभाषा भी लिख दिया है, देख लो। वह विधि जिसमें एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल की जाती है उस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं कि कैसे एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके हम हल करेंगे। ओके, चलो, हमारे पास ये दो समीकरण दिया है, एक एक्स प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है? 5। तो आसान तरीका है, हम ये x प्लस वाई बराबर जो 14 दिया है लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और यहां से समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे? 1। पहले बोलो इतना आया कि नहीं आया? जब भी प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना होगा तो हम पहला समीकरण लिखेंगे और इसको क्या नाम दे देंगे? 1। दूसरा क्या दे दिया है बोलोगे जरा? x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है? 5। बोलो कोई प्रॉब्लम है? ये दूसरा समीकरण है तो आप चाहो तो आप समीकरण आप इसको क्या मान लो? 2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? दो तरीका है, या तो समीकरण एक से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके समीकरण 2 में रखो, या समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके 1 में रखो, हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। ए बोलो ना भाई, क्लियर है ये वाला? निकालो, ये देखो y इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, तो x यहाँ बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब y इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, तो ये 5 प्लस वाई। देखो x का मान किसके पदों में मिल गया? y के पदों में। बोलो समझ में आ रहा है? लड़के यहाँ ध्यान दो, x का मान किसके पदों में मिल गया? y के पदों में। देखो लिखे हैं x क्या है? एक चर। y क्या है इसमें? दूसरा चर। देखो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त हो गया, तो लिखे हैं कि वह विधि जिसमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल की जाती है तो उसी विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो एक चर को मैंने किसके पदों में व्यक्त कर दिया? दूसरे चर के, तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 3। इससे ज्यादा समीकरण नहीं मानने आपको। बोलो इतना आया कि नहीं आया?
कन्फर्म आया। सबसे पहले ये x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे? एक। दूसरा x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया? पांच। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? दो। y इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, तो x बराबर क्या मिल गया? पांच प्लस वाई। अरे x रख लिए, y इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, तो x बराबर क्या मिल गया? पांच प्लस वाई। बोलो क्लियर हो गया? देखो एक चर का मान दूसरे चर के पदों में क्या हो गया? व्यक्त हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? बोलो इतना तुम्हें आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर आया? अब बोलो x का मान किससे निकाले हो? समीकरण दो से निकाले हो ना, तो अगर एक चर का मान लो अगर x का मान समीकरण दो से निकालेंगे तो एक में रखेंगे, और एक से निकालेंगे तो किस में रखेंगे? दो में। बोलो ना भाई, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो मैं कुछ नहीं किया हूँ, x लिख लिया है, y इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, x का मान 5 प्लस वाई आ गया ना, तो अब इसी x का मान किस में रख देंगे? समीकरण एक में लिख लेंगे, x का मान समीकरण एक में क्या करने पर भाई? रखने पर। रखो तो भाई यहां देखो x आया है, हम x के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस वाई। बोलो ना यार, x के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस वाई। तो वही यहाँ पे x है, x के जगह पे हो जाएगा 5 प्लस वाई हो जाएगा भाई। पहले से क्या मौजूद है? y। अब बराबर कितना दे दिया है? 14। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देख लो ये 5 है तो लिख लो 5। यहाँ देखो एक वाई और एक वाई मिल के क्या हो जाएगा? 2y। अब बराबर में क्या दे दिया है? 14। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखो 5 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो आप बोलो ये क्या मिल गया? 2y बराबर। देखो 2y जा है मैंने वहीं पे रख लिया, ये 5 इधर प्लस में इधर गया तो ये 14 माइनस क्या हो जाएगा? 5। तो अब आप बताओ ये 2y बराबर 14 में से 5 घटा दोगे क्या मिलेगा? 9। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? आ 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 9/2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो हमारा y का मान निकल गया। अब y का मान चाहे आप समीकरण एक में रखो, दो में रखो, तीन में रखो, किसी में भी रख दोगे किसका मान निकल जाएगा? x का। तो याद रखना जब भी आपको किसी चर राशि का मान पता हो जाए तो याद रखना जो समीकरण तीन मान रहा उसी में रखना, आसानी से हल होगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? y का मान किस में रखने पर? समीकरण तीन में। ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण तीन में क्या करने पर भाई? रखने पर। रखो तो आप ये x बराबर है तो लिख लो x बराबर, ये 5 प्लस है तो लिख लो 5 प्लस, यहाँ पे y आया है, y का मान क्या निकाले हो? 9/2, तो इस y के जगह पे क्या रख लेंगे? 9/2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम क्या करेंगे इसका बट्टे एक करके तिरछा गुणा कर लेंगे। गुणा करो कितना होगा? x बराबर ये 2 × 5 क्या हो जाएगा? 10। एक का गुणा 9 में करेंगे 9, अब बट्टे 2x करने क्या हो जाएगा? 2। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो अब आप बोलो x बराबर क्या होगा? 10 और 9 मिलके क्या हो जाएगा? 19, और बट्टे में क्या हो गया है? 2। ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बस नहीं हल करेंगे, अभी इस पे 3-4 क्वेश्चन हम आपको हल करके दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से इसका पूरा कॉन्फिडेंस बन जाए। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब आप ये समझ गए कि प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, क्या बोलोगे? वह विधि जिसमें एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके रैखिक समीकरण युग्म को हल की जाती है उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। उस विधि से ये इक्वेशन हल कर दिए। बोलो कोई असुविधा है? तो फिर लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूं। ए, अब साइलेंट हो जाओ। ये देखो दिया है 7x-5y=2 और x+15 दिया है, 7x-15y=2 और x+2y = 3।
इसको भी प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करोगे? मैं अपने तरफ से ये एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं और बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी होगा, तैयारी भी हो जाएगा। क्या दिया है? 7x-15y = 2 और x+2y = 3 प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे हल करोगे? अभी आप पढ़े हो प्रतिस्थापन विधि, यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करके हल की जाती है, तो उसी विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो अब देखो, एक चर के मान को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करो। आसान सा तरीका यही है कि ये पहले समीकरण दिया है, इसको उतारो और मान लो समीकरण नंबर 1। जैसे ये 7x ये हल कर रहे हैं, 7x-15y = क्या दे दिया है? 2। समीकरण नंबर क्या मान लेना है? 1। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? दूसरा नंबर, ये क्या दे दिया है बोलोगे जरा? x+2y = क्या दे दिया है? 3। समीकरण नंबर क्या मान लो? 2। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देख लो, ये 2y इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो बोलना जरा x = क्या मिलेगा? 3 - क्या मिलेगा? 2y। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। बोलो, इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई, कंटिन्यू लिखते जाओ। ये उतार लो समीकरण नंबर 1, इसको उतारो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करने के लिए 2y इधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में, तो हो गया 3 - हो गया 2y, तो बराबर में क्या बच गया है? x। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 3। बोलो, इतना आया कि नहीं आया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब बोलो, इसका मान किस में रखोगे? आप बताओ, x का मान समीकरण 1 में रखोगे कि 2 में? क्यों 1 में रखोगे? क्योंकि 2 से x का मान निकाले हो, तो रखेंगे किस में? 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या रख लेंगे ऐसे, x का मान, x का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। अब रखो x का मान समीकरण 1 में, यहां 7 है तो लिख लेंगे 7, यहां पे x आया है तो x का मान क्या निकाले हैं? 3 - 2y, तो इस x के जगह पे क्या रख लेंगे? 3 - 2y। बोलो, क्लियर हो गया? अब माइनस में क्या है? 15y। अब बराबर में क्या दे रखा है? 2। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? बोल क्यों नहीं रहे हो? यहाँ 7 है तो लिख लिए 7, यहाँ पे x आया है, x का मान क्या है? 3 - 2y, माइनस में क्या है? 15y, बराबर में क्या दे दिया है? 2। बोलो, इतना आया कि नहीं आया? कर लोगे अपने मन से? अब क्या करेंगे, इस जब ये कोष्टक खोलेंगे तो ये 7 का गुणा बारी बारी दोनों में होगा ना, तो आप करो, पहले 7 का गुणा 3 में होगा, 7 * 3 क्या हो जाएगा? 21। ये 7 * 2 = 14y, माइनस में क्या दे दिया है? 15y, बराबर में क्या दे रखा है? 2। बोलो, क्लियर है? इसमें वाई वाई को एक पास रख लेंगे और बिना वाई को एक पास करेंगे, तो ये देख लो, -14y या -15y, दोनों माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का ही, तो -14y या -15y मिलके माइनस क्या हो जाएगा? 29y। बोलो, क्लियर है? ये 21 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा? 21। बोलो, कोई दिक्कत है? ये देख लो, ये -29y है तो लिख लेंगे, ये 2 में से 21 घटा देंगे तो माइनस में क्या बचेगा? 19। ये माइनस से माइनस ये कट गया ना, 29 इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो बोलो y बराबर क्या हो जाएगा? 19 * क्या हो जाएगा? 29। बोलो, ये y का मान निकल गया ना। अब बोलो, y का मान किस में रखोगे? 1 में, 2 में कि 3 में? 3 में। किस में रखेंगे? 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में क्या करने पर भाई? रखने पर। रखो आप,
यहाँ x बराबर है तो आप लिख लो x बराबर, ये तीन है तो हम लिख लेंगे तीन, माइनस दो है तो यहाँ लिख लेंगे दो, इंटू यहाँ y है, y के जगह पे क्या लिख लेंगे 19 बटे क्या लिख लेंगे 29। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप बोलो x बराबर क्या हो जाएगा, तीन माइनस इस दो का गुणा 19 में होगा, नीचे नहीं होगा, इसका गुणा ऊपर होगा, क्योंकि इसका बट्टे कुछ भी नहीं रहता तो क्या होता है एक, तो गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा है नीचे करते हैं, तो गुणा करो, दो का गुणा 19 में करेंगे, 19 दूनी के क्या हो जाएगा 38, अब बट्टे 29 सेकंड है 29, कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करेंगे बोलो, इसका बट्टे एक करके, या तो हर का लसा लेके गुणा हल कर लो, या तो तिरछा गुणा करके हल करो, कौन सा गुणा करोगे, तिरिया गुणा करो, ये x बराबर है तो लिख लो x बराबर, 29 का गुणा 3 में करो, कितना होगा 29 तिहाई, 29 तिहाई 87, तो ये हो जाएगा 87, अब माइनस 1 का गुणा 38 में करेंगे 38, अब बट्टे 29 एकन्ने 29, क्या किया है तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर नीचे का गुणा नीचे, यानी इसका गुणा पहले इधर हुआ है, फिर इसका गुणा इधर, फिर नीचे का गुणा नीचे, 29 या 87 माइनस 38 सेकंड ने 38 बट्टे 29 सेकंड ने 29, बोलो क्लियर है? अब आप बोलो x बराबर घटाओगे, 87 में से 38 घटा दो क्या बचेगा, नहीं आ रहा है घटाना तो यहाँ घटा लो, 7 में से 8 जाएगा नहीं हासिल लेगा, 17 में से 8 घटा दोगे, ये बोलो 9, 8, 17, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 घटा दोगे 4, ये तो 49 बच रहा है, कौन कह रहा 35 बचेगा, ये हो जाएगा 49 और बट्टे ये क्या हो गया 29, ये आंसर हो गया, लिख लो, तो आप देख लो तीसरा एग्जांपल, एस माइनस टी बराबर 3 और दिया है ये एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर क्या दे दिया है 6, ये देख लो, इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारे लिए एग्जांपल 3 और आपके एक्सरसाइज 3.3 का दूसरा प्रश्न है, ये मैं प्रतिस्थापन विधि बताया हूँ, तो इस बेस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपको भूलेगा नहीं, अब इसको हल करने के लिए कौन सा विधि इस्तेमाल करोगे, तो सेम वही विधि, ये s माइनस टी है तो लिख लो s माइनस टी बराबर 3 है तो लिख लो 3, और समीकरण नंबर इसको क्या मान लेना है 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ देखो ये s बाई 3 प्लस टी बाई 2 है तो लिखो, अब बराबर क्या मिल गया है 6, समीकरण नंबर क्या मान लेना 2, देखो इसको हम पक्षांतर करके किसी एक चर का मान निकालेंगे तो प्रासेस हमको ज्यादा करना पड़ेगा, आ रहा है मेरी बात समझ में, तो हम ऐसे समीकरण को चुन के पक्षांतर करके इसमें एस और टी का मान निकालते हैं जिसको कम प्रासेस में ही वैल्यू जल्दी निकल जाए, इसका करने के लिए पहले टी बाई 2 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, 3 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसे एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकल तो जाएगा, सॉल्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा और हम प्रोसेस लंबा के लिए पढ़ नहीं रहे, हमको इजीली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम समीकरण एक को पक्षांतर करके s या t का मान किसी दूसरे चर के पदों में निकाल के किस में भर देंगे, समीकरण दो में, तो भी निकल जाएगा, तो हम समीकरण एक से निकालेंगे कैसे, देख लो t इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो s बराबर क्या मिल जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा t, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3, बोलो समझ में आया, मैंने समीकरण एक से ही ये निकाल दिया, बोलो इसमें कोई असुविधा है तो बताओ, निकल गया है? कुछ नहीं किए लड़के, किसी को भी पक्षांतर कर लेंगे तो हमको ये आसान लग रहा है, यही कर लिए, टी इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, मिल गया ना भाई, अब क्या करेंगे इस एस का मान समीकरण दो में क्या करेंगे रख देंगे, भाई एक से निकाले हैं तो दो में रखेंगे, दो से निकालते तो एक में रखते,
तो मैं किससे निकाला हूँ, एक से, तो रखेंगे किस में, दो में। तो ये बोलो यार, समझ में आया ये वाला, कोई दिक्कत है इसमें? लिखेंगे एस का मान समीकरण दो में क्या करने पर, रखने पर। क्यों लिख रहे हो जी तुम लोग ये लड़के? लिखेंगे एस का मान समीकरण दो में रखने पर, तो ऐसे रखेंगे यार, एस का मान समीकरण दो में रखने पर, रखो एस का मान समीकरण दो में, यहां समीकरण दो यही है, इसमें एस का मान रखो, यहां एस है, हम एस के जगह पे क्या रखेंगे, थ्री प्लस टी। तो देखो यहां एस है, एस के जगह पे रख देंगे थ्री प्लस टी, और बट्टे में क्या दे रखा है, तीन। अब प्लस में क्या दे रखा है, टी बाई टू। बराबर में क्या दे रखा है, छः। बोलो इसमें समझ में आया कि नहीं आया? ए बोलो यार, क्यों मौन व्रत हो क्या तुम? यहाँ s है, s का मान क्या निकला है, थ्री प्लस टी, तो मैंने s के जगह पे रख दिया थ्री प्लस टी, बट्टे में क्या है, तीन, प्लस क्या है, टी बाई टू, बराबर में क्या दे दिया है, छः। अब क्या करेंगे, तिरछा ऐसे गुणा करेंगे, गुणा करो, दो का गुणा तीन में करेंगे, दो तिया छः, फिर दो का गुणा टी में करेंगे, दो टी। अरे ऐसे तिर्यक गुणा कर ले रहे हैं, आ रहा है मेरी बात समझ में? तो पहले दो का गुणा तीन प्लस टी में करेंगे, तो ये हो जाएगा दो तिया छः, और प्लस दो का गुणा टी में होगा टू टी, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इसका गुणा इसमें हो गया, तो अब इसका इसमें होगा ना, तो थ्री का गुणा टी में करेंगे, क्या हो जाएगा, थ्री टी, और बट्टे में देख लोगे तीन दोने के छः, अब बराबर में क्या दे रखा है, छः। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब आप देखो छः इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये छः है तो लिख लो छः, अब प्लस दो टी और तीन टी मिल के कितना हो जाएगा, पाँच टी, और छः इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो ये छः छा के कितना हो जाएगा, छत्तीस। अब ये छः इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो बोलो पाँच टी बराबर क्या हो जाएगा, छत्तीस माइनस छः। तो ये देखो ये पाँच टी बराबर छत्तीस में से छः घटा देंगे, क्या मिलेगा, तीस। अब आप देख लो ये पाँच छ के कितना हो जाएगा, तीस। तो बोलो टी का मान क्या निकल गया, छः। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करेंगे, इस टी का मान किस में रखोगे, एक में, दो में कि तीन में? लिखेंगे टी का मान समीकरण तीन में क्या करने पर, रखने पर। तो रख लो ऐसे, टी का मान समीकरण तीन में रखने पर रखो। यहाँ एस है तो लिख लो एस, इक्वल टू थ्री है तो लिख लो थ्री, अब प्लस यहाँ टी आया है, टी का मान क्या निकाले हैं, छः। तो बोलो एस बराबर छः और तीन मिलके क्या हो जाएगा, नौ। ये आंसर हो गया, बोलो क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब आप लिख लो,